बीजेपी और कांग्रेस के आरोप और प्रत्यारोप की कहानी तो हर दिन सुनने को मिलती रहती है, लेकिन कांग्रेस ने इस बार बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह पर तलवार तान दी है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह जिस सहकारी बैंक में निदेशक थे उसमें नोटबंदी के दौरान सबसे ज़्यादा पुराने नोट जमा किए गए। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने शुक्रवार को इस मामले में बीजेपी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बीजेपी और उनके अध्यक्ष कल से काफ़ी घबराए हुए हैं। नोटबंदी इस देश का सबसे बड़ा घोटाला था। 19 महीने के बाद काला धन सफ़ेद करने के धंधे का पर्दाफाश हो चुका है। गुजरात में बीजेपी नेताओं द्वारा चलाए जा रहे 11 जिला सहकारी बैंकों में नोटबंदी के दौरान सिर्फ 5 दिनों में 14,300 करोड़ रुपये जमा किए गए हैं। SPN नैनीजरूम की रिपोर्ट।